इस बार खेला नहीं होगा क्योंकि तेल में लाठी पिया लिए हैं हम लोग। हाँ। इस बार सर पे कफन बांध लिए हैं काउंटिंग हाल में कि तो हम लोगों का लाश निकलेगा तो ये दोनों लोग बेईमान निकलेगा। वहीं और ऊपर जाइए तो जिला में वहीं विधायक वहीं सांसद वहीं सब कुछ तू ही बनब तो हमने का झंडा लेके ढोवे खातिर बनल है जा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और एक बात और मैं कह देता हूँ सुधाकर सिंह को चैलेंज देता हूँ कि उस दिन मोहनिया काउंटिंग में अपने सर पे कथम बांध के जाऊंगा और हथियार भी चलाना पड़ा तो उसके लिए गौतम यादव झुकेगा नहीं। बोलिए किसको जिता रहे हैं आप? पिंटू यादव के। क्या खास बात है पिंटू यादव? पिंटू यादव हमारा भाई है, परिवार है, गरीबों का मसीहा है, गरीबों के दुख दूर में पहुंचते हैं। 12 बजे रात का 2 बजे रात का कभी भी समय लगता है फोन करने पर पहुंचते हैं। हमारे पिंटू सिंह विधायक यादव गरीबों के दुख सुख में रहते हैं, उनको हमेशा शामिल रहते हैं, गरीब के नेता हैं। अजीत सिंह नहीं आते हैं, अशोक सिंह नहीं आते हैं। अरे तो लोग के दो बार देख लीजिए, अभी इस भी संसद हो गया ना, कुलू है रही का कुलू है रही। हाँ अब ओकरे बाद में कहना हो कि इसी तरह से सारे बाइकवट हम लोग समाज लपते हुए हैं, पिंटू यादव के साथ हम लोग वोट देंगे। पटना सुधाकर सिंह आके प्रचार कर रहे हैं, तो सुधाकर सिंह का मंत्री भी आ रहा हमें कल ही क्या नाम है आए थे, हंसी है आगल बा पूरा यूपी बिहार लपटल बा झारखंडो ले आगल बा ना कुल नेता लोग, एगो 35 साल के लड़का पर बताइए। तो हम लोग लड़ रहे हैं पूरे रामगढ़ विधानसभा का, ये जनता लड़ रही है चुनाव, पिंटू यादव नहीं लड़ रहे हैं, पूरे रामगढ़ विधानसभा की जनता लड़ रही है और जनता जिता कर इनको पटना हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं, चंदा से, पैसा से, कौड़ी से, पैदल चलते खून से पसीना से हम लोग उनको भेजने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो अपने दावा ठोक रहे हैं कि हम सबको हरा देंगे। हाँ प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी हराएंगे, एजेंट है, बीजेपी का एजेंट। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। बीजेपी का एजेंट है प्रशांत किशोर। कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी वही नारा दिए थे और 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने का काम वही किया, 15-15 लाख खाते में वही बोले थे। जुमलाबाज का सरकार है, ये जुमलाबाज और बनाएगा फिर वही बोल रहा है वो। प्रशांत किशोर तक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बसपा का नेता घर घर किसी के सुख दुख में नहीं जाता है, क्या सही है? ये तो ये पूरा पब्लिक बता रही है कि सुख दुख में एक लड़के का चटौना 4 साल से चटौना किए हैं हम लोग, एक लड़के का घर घर सुख दुख कोई भी हो, मरनी जियनी घटना दुर्घटना सब में हम लोग खुद हम अपने पिंटू भैया के साथ साथ रहते हैं, हम हमेशा गए हैं उनके साथ, कहाँ ही पूछ लीजिए, जहाँ हम बता देंगे कि इसका कहाँ कहाँ घटना हुआ है, कहाँ कहाँ गए हैं। तो जीत रहे हैं पिंटू यादव एकदम, 80-90 हजार वोट पर रहे उनके। पिछला बार की तरह खेला हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? इस बार खेला नहीं होगा क्योंकि तेल में लाठी पिया लिए हैं हम लोग। हाँ। इस बार सर पे कफन बांध लिए हैं काउंटिंग हाल में कि तो हम लोगों का लाश निकलेगा तो ये दोनों लोग बेईमान निकलेगा। हाँ। कौन दोनों बेईमान? अरे दोनों बेईमान, जो बेईमानी करेगा वो बेईमान। हाँ। और कौन बेईमान? हाँ। हाँ। भागने वाला, भागने वाला सर्टिफिकेट एक डरवाई डाकर भागने वाला। कल तेजस्वी यादव आए थे, प्रभावित नहीं रहे आप लोग? तेजस्वी यादव आए थे, वो चले गए रोड से, एक भी जो लड़का था युवा यादव का एक भी लड़का नहीं गया वहाँ पे। वो आकर लड़ाई साफ कर दिए हैं कि भाजपा बनाम बहुजन समाज पार्टी से सबको लड़ाई है, अब बहुजन पर समाज पार्टी से सब लड़ रहा है। राजद का प्रत्याशी तो उससे भी कम उठ पाएगा, ये क्या जनसुराज से भी कम उठ पाएगा वो। अरे आप लोग तो एमपी बना दिए राजद को यहाँ से, जितना लोग ये लोग पाएंगे उतना से हम लोग जीतेंगे, ये कंफर्म है। 20-25 हजार से यहाँ से चुनाव जीतेंगे, उतना ही ये राजद का प्रत्याशी पाएगा। हाँ, काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंस, पूर्ण विश्वास है, लोगों का जोश जुनून देखिए, युवाओं का सारे युवा बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सब है। पिंटू भाई जिंदाबाद।
आप देख सकते हैं कि रिंकू यादव जो बसपा के प्रत्याशी हैं और रामगढ़ से, और इनके देखिए हजारों के हजार संख्या में जो है समर्थक हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला है और लोग जो है समर्थन में उतरे हैं। किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? पिंटू यादव को। काहे पिंटू यादव के दे रहे हैं? हमारी के दुख सुख हर हालत में मैंने तैयार रहते हैं। हाँ, उन्हीं के साथ रहेंगे, चाहे कितनो तूफान आएगा तभी हम लोग उनके साथ ही रहेंगे। अरे भैया का हमने का दुख सुख में सुधा करके कहे के अब एगो लइका मुझे कहे के उन्हीं का रोज मुकदर डूबा सो तो रोज हम जाले भेजवाई उनका संग के रही। जो आदमी के संग है कि जाल बिगवाया, लाश को निकाला, पोस्टमार्टम कराया, फिर जाकर तो शांस करके आया, वो हमको विधायक चाहिए। वो ऐसा विधायक चाहिए, उसको वोट भी मिल रहा है, नोट भी मिल रहा है, बुलेट भी मिल रहा है। अरे तो आप ही लोग ना वोट दे के सुधाकर सिंह को एमपी बनाए हैं? अरे भैया वो बात अलग होकर छोड़ नहीं होगा, वो बात के ना पर बात जनता होकर फैसला करी। कदर हम लोग माफिया से हम लोग टकते, एक लड़का 26 साल का है उसके लिए सारे हिंदुस्तान टूट गया है, गली गली में छाक मिल रहा है। तो पिंटू के साथ हम लोग रहेंगे। इस बार लड़ाई पार्टी पटिशन से नहीं है, इस बार लड़ाई मान सम्मान की है। हम लोग जितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन लोगों का मान सम्मान का लड़ाई है। यहाँ पे मुखिया वहीं, सरपंच वहीं, नगर पंचायत का अध्यक्ष वहीं, चेयरमैन वहीं, जिला का पैक्स अध्यक्ष वहीं, और ऊपर जाइए तो जिला में वहीं, विधायक वहीं, सांसद वहीं, सब कुछ तू ही बनबो। तो हमने का जाली झंडा लेकर ढोवे खाती बनल है जा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चले गए सब। हाँ, क्या परिचय होगा? मेरा नाम दुर्या यादव, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जीबी कॉलेज रामगढ़। क्या कहेंगे? जन सुराज भी अपना दावा कर रही है कि हम यहाँ जन सुराज भैया एक महीना या लोग का सेवा करी, जो 15-20 का सेवा करता हूँ क्या पूछते हैं? एक महीने का जय कौन चीज से लड़ी हूँ, क्या लड़ेगा वो? रिवाज साल, 2 साल, 5 साल जो दूध पिएगा वो लड़ेगा, अपना खून पसीना बहेगा वो लड़ेगा। जन सुराज के प्रत्याशी भी बैकवर्ड क्लास का तरह कमल का अध्यक्ष ना हो, दीपेंद्र कुशवाहा के कुल वोट बिगाड़ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? वो कुछ नहीं लड़ेंगे, वो कुछ नहीं लड़ेंगे। एना पर पिंटू के छोड़ के जनता कुछ केहू के माने के तैयार नहीं थे। पिंटू के ब्लडो देवे खातिर तैयार बा, खूनो देवे खातिर, पैसो और वोट। एना पर जनता पिंटू का चुनाव ना, एना पर जनता का चुनाव है बाबू, एना पर जनता फैसला ले ले ले। अन्य लोग भी हैं, आप देख सकते हैं। क्या कहिएगा, किसका माहौल है, माहौल किसके तरफ है? सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, और आपके चैनल को मैं इतना आशीर्वाद देता हूं कि आप भैया इतना इस चैनल को चलाइए कि जो कि हमारे बड़े भैया पिंटू यादव, उनके पिता जो कि अंबिका यादव पहलवान जी ने उस समय में 5 वर्ष पहले जो कि चुनाव जीत चुके थे, और चोरों ने पिछली दरवाजा से इनका सर्टिफिकेट लेकर भाग गया, और वो दौर आ चुका है इस बार बदलने के लिए कि अपने पिंटू भैया को नोट और वोट के साथ विधानसभा पटना में हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और एक बात और मैं कह देता हूं, सुधाकर सिंह को चैलेंज देता हूं कि उस दिन मोहनिया काउंटिंग में अपने सर पे कथम बांध के जाऊंगा, और हथियार भी चलाना पड़ा तो उसके लिए गौतम यादव झुकेगा नहीं। इस पंचायत का मैं प्रतिनिधि, जो कि BDC हमारे पिताजी माता उषा देवी और मैं उनका पुत्र हूँ, और अपने पंचायत को यहाँ से इतना वोट भैया को दिलवा के जिताने का हम लोग काम करेंगे कि भैया का मनोबल ऊंचा करके पटना सदन में हम लोग बैठाने का काम करेंगे। देख सकते हैं तमाम जो है बसपा के समर्थक लोग हैं, पिंटू यादव के समर्थक लोग हैं, और ये लोग जो है गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं।